सब्सक्राइब कीजिए ट्विंटर वो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसी साल ऑटो एक्सपो पे GWM का हवाल F5 जब शोकेस किया गया, गाड़ी को देखकर, गाड़ी के फीचर्स को देखकर लोगों के मन में ये सवाल उठा कि क्या ये किया के सेल्टोस, ह्यूंडई के क्रेटा के किलो ऊपर काफी बड़ी टक्कर देने के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, हो सकता है। हालांकि अगर बात करें, ये गाड़ी दिखने में तो तगड़ी है ही, उसके साथ साथ तगड़ी तगड़ी फीचर्स भी मिल रहा है। अगर उसी के प्लेटफॉर्म पे आ जाए, किया और क्रेटा के प्लेटफॉर्म पे, यानी कि उसी के प्राइस रेंज में आ जाए, तो इनका तो बैंड बजने ही वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ होने वाला है, जो कि हवाल F5 में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहा है, गाड़ी कब तक लॉन्च होने का एक्सपेक्टेड है, क्या प्राइस रेंज में लॉन्च हो सकता है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में जानकारी लेंगे। नमस्कार, मैं हूं रश्मिकांत, आप लोग देख रहे हैं ट्विंटर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं GWM का हवाल के F5 के बारे में। ग्रेट वॉल मोटर्स यानी कि GWM एक चाइनीज कंपनी है। उसके ही सब ब्रांड है हवाल, जो कि जाना जाता है SUV के बनाने पे। हालांकि ये काफी बड़ी तगड़ी SUV बनाती है, जो कि काफी बढ़िया सेल्स रहता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी दबदबा काफी अच्छा है। GWM यानी कि ये गाड़ी, ये कंपनी चाइना की एक बड़ी कंपनी है, जैसे कि इंडिया में टाटा मोटर्स है। हालांकि ये इंडिया में 7,000 करोड़ लगा रहा है हवाल F5 की, तो ये गाड़ी भी बेहतरीन होने वाला है। इसकी एक्सटीरियर की बात करें या इंटीरियर की, एक अलग ही लेवल की, हालांकि ह्यूंडई टुक्सॉन से भी प्रीमियम लग रहा है। पहले बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर में। आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRL, आपको बिग चंकी फ्रंट ग्रिल मिल रहा है, जो कि गाड़ी के फ्रंट लुक को एक अलग ही लेवल दे रहा है, अलग ही लुक दे रहा है, काफी बेहतरीन लग रहा है। एक कंप्लीट प्रीमियम SUV दिख रहा है गाड़ी। इसके साथ साथ इसके पीछे के साइड रहे आपको LED टेल लैम्प के साथ, गाड़ी काफी स्टाइलिश लुक में है। हालांकि डिसेंट है, उतना बेहतरीन तो नहीं कहूंगा, लेकिन डिसेंट लुक काफी अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है। साइड में आपको 19 इंच के व्हील्स दिए गए। और इसके इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर पे भी लेदर सीट्स के साथ गाड़ी काफी बेहतरीन, काफी अच्छा खासा लेगरूम हेडरूम आपको मिल रहा है। गाड़ी की डायमेंशंस यानी कि हवाल F5 के डायमेंशंस की बात करें, इसके लेंथ की बात करें 4470 mm का है, हाइट की बात करें 1638 mm का है, विड्थ की बात करें 1857 का मिल जाता है। इसकी व्हील बेस की बात करें तो 2680 mm का मिल रहा है, जो कि ये लगभग ह्यूंडई टुक्सन की साइज का SUV है। हालांकि ये 5 सीटर SUV है। इसकी इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन मिलता है। हालांकि इंडियंस को हमें ज्यादातर एक बड़ी चंकी गाड़ी में डीजल इंजन ही पसंद आता है, लेकिन यहाँ पे 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ही मिलता है, जिसमें आपको 166 का हॉर्स पावर मिलता है, 285 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। हालांकि इसमें 7-स्पीड DCT ट्रांसमिशन आपको मिलता है, जो कि काफी बेहतरीन है। हालांकि ये पैडल शिफ्टर के साथ आ जाता है, जो कि एक प्रीमियम फील देता है, काफी बेहतरीन है। कि ये गाड़ी अपने सेफ्टी फीचर्स को काफी प्रायोरिटी दे रहा है। हालांकि ये गाड़ी में काफी तगड़ी तगड़ी सेफ्टी फीचर्स मिल जा रहा है। इसके कुछ की फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 7 एयरबैग्स मिल सकता है टॉपर वेरियंट में। गाड़ी में आपको लेन डिपार्चर वार्निंग मिल सकता है, गाड़ी में आपको लेन कीप असिस्ट मिल सकता है, गाड़ी में आपको रैडर गाइड क्रूज कंट्रोल मिल सकता है, 360 डिग्री कैमरा मिल सकता है पार्किंग सेंसर्स के साथ, जो कि काफी बेहतरीन, एक अलग ही लेवल का आपको सेफ्टी फीचर्स यहां पे मिल रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम गाड़ियों पे आउट ऑफ इंडिया मिलता है, इंडिया में काफी कम ही देखने को मिलता है क्रेटा और सेल्टोस जैसे गाड़ी में। गाड़ी की इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर पे आपको पैनारोमिक, एक बड़ा पैनारोमिक सनरूफ मिल रहा है। हालांकि ये मतलब एज टू एज है, मतलब जैसे कि आप मोबाइल फोन्स देख रहे हैं डिस्प्ले एज टू एज रहता है, उसी तरह कुछ पैनारोमिक बड़ी से सनरूफ मिल रहा है, जो कि काफी बेहतरीन दिखता है, काफी प्रीमियम भी लगता है। बैक सीट में आपको अच्छा खासा लेगरूम हेडरूम मिल जा रहा है, काफी स्पेसियस गाड़ी है ये। फ्रंट डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे ड्राइवर टिल्ट आपको डैशबोर्ड मिलता है, जो कि काफी प्रीमियम है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, काफी सारे फीचर्स मिल जाता है गाड़ी में। तो ये तो था गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस। अगर बात करें गाड़ी की प्राइस रेंज के बारे में,
तो कम मुद्दा यही है कि गाड़ी किस प्राइस रेंज में आने वाला है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है गाड़ी 14 से लेकर 25 लाख के अंदर ही रहने वाला है। अगर इस प्राइस रेंज में रहे तो ये गाड़ी काफ़ी गाड़ियों की सेल्स को काफ़ी बड़ा नुकसान दे रहा है, देने वाला है। हालांकि बात करें जैसे कि क्रेटा हो या सेल्टोस हो, अगर इसकी बेस वेरिएंट ये इसके राइवल रहेगा जो कि काफ़ी बेहतर होने वाला है, क्रेटा और सेल्टोस के ये सेल्स ले लेगा। अगर टॉप एंड वेरिएंट की बात करें, टॉप एंड वेरिएंट में ये गाड़ी टाटा हैरियर, हेक्टर, जीप कंपास को काफ़ी बड़ी तगड़ी टक्कर दे देगा, क्योंकि गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है और भर भर के फीचर्स गाड़ी में दे दिया गया है। तो ये था GWM हवाल के बारे में, हवाल F5 के बारे में, जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। हालांकि गाड़ी के लॉन्च डेट के बारे में कोई अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, हो सकता है इसी साल के अंत में या अगले साल ही, काफ़ी सुनने को मिल रहा है अगले साल ही ये इस गाड़ी को इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ऐसे नए वीडियो देखना चाहते ऑटोमोबाइल्स के ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।